The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Dosto, namaskar, adab, sat sri akal. कोल्ड और फ्लू के बारे में आज की बातचीत करेंगे कि कोल्ड क्या है, फ्लू क्या है और उन दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर आप सुबह सुबह जागते हैं और आपको हो रही है घनघार खांसी और सर्दी और छींकें आ रही है और बहुत ज़्यादा फीवरिश फील हो रहा है और आपकी मसल भी दुख रही है, उठने का मन नहीं कर रहा, उठ नहीं पा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ कॉमन कोल्ड है या आपको फ्लू हो गया है? बहुत ज़रूरी है इस बात का जानना कि फ्लू और कॉमन कोल्ड का डिफरेंस क्या है, क्योंकि कोल्ड एक माइल्ड फॉर्म है रेस्पिरेटरी लंग्स की, फेफड़ों की बीमारी का, और फ्लू थोड़ा ज़्यादा उससे बड़ा फॉर्म है, सीनियर है भाई साहब फ्लू। और कोल्ड के सिम्टम जो है वो आपको कुछ दिनों के लिए फील बैड करा सकते हैं, लेकिन फ्लू जो है वो आपको काफ़ी बीमार कर सकता है कुछ हफ्तों तक। स्वाइन फ्लू हो तो जानलेवा भी हो सकता है। सो फ्लू कैन बी रिजल्टिंग इन अ सीरियस डिजीज लाइक निमोनिया ऑल्सो एंड हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, लाइक आई सेड जानलेवा भी हो सकता है कभी कभी। सो सिम्टम के बारे में बात करते हैं। कोल्ड में आपको गला थोड़ा सा खराब होने लगेगा, गाढ़ा गाढ़ा म्यूकस आ सकता है, गले में खराश हो सकती है, एक या दो दिन तक रह सकता है, उसके बाद वो चला भी जा सकता है। नाक में सिम्टम्स आ सकते हैं, नाक रनिंग रह सकता है, कंजेशन हो सकता है नाक में, ड्राइनेस हो सकती है, कफ हो सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है तीसरे से चौथे दिन तक शुरुआत हो, उसके बाद फीवर, कोल्ड में फीवर नहीं आता। So fever is uncommon in cold, but slight fever is possible. थोड़ा सा fever हो सकता है slightly, and बच्चों को थोड़ा fever हो सकता है cold के साथ, याद रखिए छोटे बच्चों को। Cold के symptom के साथ नाक का nasal secretions भी बढ़ सकते हैं, ये बात याद रखिए, और dark color, thick color, mucus बाद में आ सकता है नाक से। और अगर कभी ये म्यूकस डार्क कलर का है तो वो तो चलो नेचुरल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या साइनोसाइटिस ही है या नहीं है, अभी हम उसको बारे में कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि साइनोसाइटिस उसके साथ ओवरलैप हो सकता है, उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसमें फिर हेडेक होने लगेगा और साइनस इन्फेक्शंस के सिम्टम्स जो है वो आने लगेंगे, जैसे कि लोकलाइज एक फ्रंटल हेडेक हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी है कि कोल्ड जो है, जो फ्लू है, टेक्निकली दोनों इसके एक ही तरीके के फ्लू वायरसेस होते हैं, कोल्ड भी उससे होता है। कोल्ड एक माइल्डर फॉर्म है फ्लू का, और फ्लू अपने आप में थोड़ा हैवी फॉर्म है, और फ्लू या कोल्ड वायरसेस जो हैं वो 200 से भी ज़्यादा, 200-250 के आसपास इतने सारे वायरसेस हैं, तो इन सब वायरसों से बचना तो पॉसिबल नहीं है, आपके अंदर कोई ना कोई तो आएगा ही। सो थोड़ा समझना पड़ेगा कोल्ड के सिम्टम कितने दिन रहेंगे, फ्लू के सिम्टम कितने दिन रहेंगे। कोल्ड के जो सिम्टम है वो यूजुअली एक हफ्ते तक लास्ट कर सकते हैं, अराउंड फॉर वन वीक, और पहले 3 दिन तक आपको कोल्ड के सिम्टम रहेंगे, और उन 3 दिनों में आप कंटेजियस रहोगे सबसे ज़्यादा। उसके बाद मतलब कंटेजियस का मतलब है उस 3 दिनों में आप कोल्ड दूसरे को फैला सकते हो, दूसरे किसी को। सो फर्स्ट 3 डेज आर लाइक दैट, एंड उसके बाद आप नहीं ज़्यादा नहीं फैला पाओगे, राइट? आपको पहले 3 दिन में इसीलिए घर पे रेस्ट करना ज़रूरी है, खूब सारा पानी पीना ज़रूरी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। और कोल्ड के इसमें अगर कोल्ड एक हफ्ते से ज़्यादा टिक गया तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एक हफ्ते के बाद फिर एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए कोल्ड में पहले हफ्ते में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है कायदे से। मैं जानता हूँ, जी हाँ, आपके डॉक्टर लिख देते हैं, आजकल के डॉक्टर सब लिख देते हैं, मुझे पता है,
क्योंकि बेटर बी सेफ देन सॉरी, लोग कहते हैं एक एंटीबायोटिक और सही, मैं नहीं दूंगा तो वो दे देगा। सो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। या ऐसा भी हो जाता है एक हफ्ता एक डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ तो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हो और दूसरे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया ठीक हो गया, तो आपको लगता है कि पहला डॉक्टर अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको पता नहीं है पहला डॉक्टर अच्छा था, वो आपको बचा रहा था कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। बट देन हाउ कैन आई चेंज द मेंटेलिटी ऑफ पीपल इवन इन डॉक्टर्स और मे बी इन पब्लिक? आई कैन नॉट, आई कैन टेल यू द ट्रूथ, दैट्स व्हाट आई कैन डू। देन कभी कभी कोल्ड के सिम्टम्स को एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर या ये जो एलर्जिक सिम्टम्स भी बोले जा सकते हैं, मुझे रोज सुबह दिक्कत हो रही है, मुझे एलर्जी तो नहीं है, नहीं। सो एलर्जी सुबह शाम से नहीं होती है, एलर्जी या हे फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जेंट से होती है। अगर एलर्जन आता है तो वो होगा ही होगा, वो एलर्जन किस प्रकार का उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या सिम्टम होंगे। वेरी सिंपल एंड एज इन दैट्स देयर। उसके अलावा अगर कोल्ड के सिम्टम आ रहे हैं, जल्दी से बन रहे हैं और एक हफ्ते के बाद इम्प्रूव हो जा रहे हैं, तो वो यूजुअली कोल्ड ही है, एलर्जी नहीं है। एलर्जी होगा तो जब तक आप हो आपके एलर्जी की टेंडेंसी रहेगी, और एलर्जी जब भी एलर्जन आएगा एलर्जी होगी। सो एलर्जी इज साइनोसाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस भी होता है, इन्फेक्टिव साइनोसाइटिस भी होता है। सो फ्लू क्या है? फ्लू के क्या सिम्टम है? फ्लू के सिम्टम्स कोल्ड के ही सिम्टम्स हैं, थोड़े से ज़्यादा सिवियर है, थोड़े से ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं। समटाइम्स उसके साथ में गले सोर थ्रोट है, फीवर है, हेडेक है, आपका कंजेशन है, नाक का खांसी है। स्वाइन फ्लू में वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है, स्वाइन फ्लू में वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है। दो बातों का ध्यान आपने रखना है। इसके बाद में ज़्यादातर फ्लू के जो सिम्टम्स हैं, एक से दो से पाँच हफ्ते तक अपने आप इम्प्रूव कर जाते हैं, मगर अगर इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं एक वीक से ज़्यादा, तो ये फिर निमोनिया या लंग्स का इन्फेक्शन बन सकता है। सो निमोनिया डेंजरस चीज़ होती है, लंग्स का इन्फेक्शन डेंजरस चीज़ होती है, और इवन खासकर यंग लोगों में, बच्चों में। सो इसमें या फिर किसी को हार्ट की या लंग की प्रॉब्लम है उनके लिए भी डेंजरस हो सकता है, इसीलिए फिर उसको ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको थोड़ा भी सांस फूल रहा है, साथ में फ्लू के या इवन कोल्ड के सिम्टम्स हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। सांस फूलना नंबर वन साइन है आपके निमोनिया का इसके स्टेट में। फीवर ऑब्वियसली रहता है थोड़ा बहुत फ्लू के अंदर, और कोल्ड के वायरस की जैसा फ्लू के वायरसेस भी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में, नाक में, माउथ में, नोज में, हर जगह पे फैल जाते हैं, और मल्टीपल वायरसेस हैं, और एवरी टाइम आप इन चीज़ों को टच करते हो और तो वो आपके हाथ में लग जाते हैं, और आप इधर उधर इन्फेक्ट कर सकते हो, इधर उधर फैला सकते हो फ्लू के वायरसेस भी। सो फ्लू इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक कोल्ड। तो आपको अपने पहले कुछ दिन हैंड हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी, और जैसे मैंने कहा रेस्ट बहुत ज़रूरी करना पड़ेगा। सो इज़ इट कोल्ड और इज़ इट टू फ्लू, हाउ वुड यू नो? सो पहला काम करिए, अपना टेम्परेचर लीजिए, और फ्लू सिम्टम्स में कई बार कोल्ड के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन कॉमन कोल्ड में फीवर 101 डिग्री के ऊपर नहीं जाता। कई सारे हमारे इम्पॉर्टेंट ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम इंडिकेट करते हैं कि नहीं ये तो फ्लू है, नहीं ये तो वो है। सो 101 के ऊपर बुखार जा रहा है तो वो फ्लू है, वो वायरल इन्फेक्शन है, वो सिंपल कोल्ड नहीं है, राइट? और फ्लू के सिम्टम्स में आपको इनिशियली फीवर आ सकता है, फ्लू वायरस रह सकता है जो आपको सेम कोल्ड के जैसी मिजरेबल फीलिंग दे सकता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो फीवर माइल्ड होता है कोल्ड में, फ्लू में हाई होता है 101 102 के आसपास या ऊपर भी हो सकता है। और पहले कोल्ड में सरदर्द कभी कभार रह सकता है, नहीं भी रह सकता, पर फ्लू में ज़रूर रहेगा। फ्लू में कॉमन है, कंपलसरी नहीं है बट कॉमन है। उसके बाद स्लाइट जनरलाइज्ड पेन रहेगा, आपको एकिंग रहेगा थोड़ा थोड़ा कोल्ड में, लेकिन फ्लू में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, इधर उधर बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद फटीग जो है, थकावट ऑब्वियसली फ्लू में ज़्यादा रहेगी, कोल्ड में कम रहेगी। थकावट 3-4 दिन तक रह सकती है फ्लू में, और थकावट एग्जॉशन ये दोनों रह सकते हैं। रनिंग नोज भी, अब रनिंग नोज में फ्लू में ज़्यादा कॉमन नहीं है, रनिंग नोज ज़्यादा कॉमन है कोल्ड में। सो कोल्ड में कॉमन है, फ्लू में कभी कभी होगा। स्नीजिंग
स्नीजिंग भी कोल्ड में ज्यादा कॉमन है, फ्लू में कभी कभी होगा लेकिन हो सकता है फ्लू में भी, और सोर थ्रोट भी कोल्ड में ज्यादा कॉमन है, फ्लू में कभी कभी हो सकता है, और चेस्ट डिस्कम्फर्ट खांसी ये चीजें जो है ये फ्लू में ज्यादा कॉमन है, कोल्ड में भी लेकिन कभी कभी हो सकता है माइल्ड फॉर्म में, फ्लू में ज्यादा सीवियर हो जाता है। तो थोड़ा इंडिकेशन समझ आ रही है आपको कैसे होता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, साइनस इन्फेक्शन, मिडल ईयर ईयर कान का इन्फेक्शन, ये कोल्ड से पॉसिबल है, और फ्लू में आपके लंग्स में इन्फेक्शन जा सकता है, निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। सो कोल्ड से साइनसिस में जा सकता है, ईयर में जा सकता है, कान में जा सकता है। तो प्रिवेंशन कैसे करोगे, प्रिवेंशन बहुत सिंपल है, फ्लू के प्रिवेंशन के लिए हाथ पैर अच्छे से धोने हैं, किसी भी पर्सन से पहले 3-4 दिन में क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है, दूर दूर से रहिए, दूर दूर से बात करिए, और सेम गोज फॉर फ्लू ऑल्सो, फ्लू में भी कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है, और फ्लू की वैक्सीन लगानी है हर साल। फ्लू में फ्लू वैक्सीन आती है तीन बड़े फ्लू वायरसेस के लिए, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी के लिए वैक्सीन आती है, उसको हर साल लगाना होता है, हर साल नई वैक्सीन आती है, नया स्ट्रेन आता है, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, अपने आप को भी, अपने बच्चे, अपने बूढ़े, 6 महीने से ऊपर सभी को वैक्सीन लगनी चाहिए। और ट्रीटमेंट कोल्ड के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना है सिंपल, पेन रिलीवर, डीकंजेस्टेंट्स, नेजल ड्रॉप, ओट्रिविन, और थोड़ा 5 हफ्ते भर के लिए, और कुछ फीवर अगर आया तो पैरासीटामोल, सिंपल कोल्ड की सिट्रीजीन भी काम कर जाती है, लेवोसिट्रीजीन एंड ऑल। और फ्लू के केस में भी पेन रिलीवर, डीकंजेस्टेंट, फीवर की मेडिसिन चलती है, साथ में कई बार एंटीवायरल फ्लू के दवाइयाँ देनी पड़ते हैं अगर लग रहा है कि कोई सीरियस वायरस, जैसे फ्लू वायरस जैसा कोई, स्वाइन फ्लू वायरस जैसा कोई आया है। सो उसके लिए स्वाइन फ्लू वाला वीडियो आप देख सकते हो डिटेल के लिए, बाकी जानकारी जो है वो यहाँ दी गई है। सो आई होप आपको समझ आया कि फ्लू क्या है, कोल्ड क्या है, डिफरेंस क्या है उन चीज़ों में, और आपको क्या क्या पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अगेन, अगर आपको परसिस्टेंट फीवर है, पेनफुल कोई स्वेलिंग है, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, कंजेशन, हेडेक, सांस फूल रहा है, तो जाइए अपना चेकअप कराइए, चक्कर आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, फ्लू लग रहा है, फ्लू के जैसा है, तो जाइए कराइए। बच्चों के केस में, छोटे बच्चों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ब्लूइश ब्लू कलर आ रहा है, कहीं पर भी बॉडी के अंदर रंग खराब हो रहा है, पैरों में, हाथों में, नाक में ब्लूइश स्किन कलर, तो दैट इज़ नॉट गुड। पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, लेटे रह रहे, सोए रह रहे हैं, बच्चों के इसमें एक्सट्रीमली रिथार इरिटेबल हो रहे हैं, फीवर आ रहा है रैश के साथ, तो बच्चों के इसमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स आर सिंपल कॉमन, हर साल इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इस साल इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सबको पता चले। All right, if you have any questions, please ask. I'm Dr. Paramjeet. You're watching Dr. Education. Stay connected, stay healthy.